आपके पास कैसा भी डेटा हो, आप इसका यूज कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। और थोड़ा समझते हैं इसके लॉजिक को, कॉन्सेप्ट को, कि एक्चुअली इसमें हम लोग क्या सब कवरअप करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले है इंडेक्स। सबसे पहला फंक्शन है इंडेक्स फंक्शन। अगर आपने ये वाला सीख लिया तो समझ लो किसी की जरूरत नहीं है। मतलब अगर काम करने के हिसाब से सोचेंगे तो ये सीख लें तो किसी की जरूरत नहीं है। ये 90% काम का तो सोल्यूशन कर ही देगा, क्योंकि ये हर एक सवाल का जवाब है। इसमें सबसे पहला फंक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं इंडेक्स। क्या बोलते हैं? इंडेक्स। दूसरा फंक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं मैच। क्या बोलते हैं? मैच। तीसरा फंक्शन नहीं है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, दैट इज कॉल्ड इंडेक्स विथ मैच। चौथा है इंडेक्स विथ डबल मैच। अगर ये चार सीख लिया तो अफसोस मत करना कि पीछे कुछ नहीं पढ़ा या कुछ नहीं प्रैक्टिस करा, क्योंकि ये काम आपको सारा काम कर देगा। आगे चलता है, पीछे चलता है, रिवर्स में चलता है, डेटा में लेफ्ट में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब तो सारे बीमारी का ये इलाज है एकदम बिल्कुल अल्टीमेट चीज है। लेकिन थोड़ा हम मैच से शुरू करते हैं। मैच हमने वी लुकअप में भी पढ़ा है, वी लुकअप मैच। मैच हमने एच लुकअप में भी पढ़ा है। एक छोटा सा सवाल है जो थोड़ा सा पढ़ना चाहेंगे आपकी नजरों से, कि मैच का मतलब क्या समझे मिथिलेश जी? मैच का मतलब क्या समझे आप? अगर हम आपसे सिर्फ पूछ रहे हैं मैच के बारे में, कि मैच एक फंक्शन है, बस इसी के बारे में आपको बताना है कि मैच का मतलब क्या होता है, मैच क्या करता है, सिर्फ हम मैच के बारे में पूछ रहे हैं। वोल्टेज कम कैसे हो गया? तेज बोलिए। वो जिस डेटा को मतलब रिफ्रेश देते हैं तो दूसरे डेटा में वो सर्च करता है, मतलब दूसरे जगह पे कॉलम में। क्यों सर्च? तो कंट्रोल एफ करके भी कर सकते हैं, तो मैच ही क्यों? व्हाट इज मैच फंक्शन? सर मैच मतलब एक उसी स्पेसिफिक फील्ड को दूसरे फील्ड से मैच करना एग्जैक्ट। क्यों? वो तो वी लुकअप भी कर लेता था। सर मैच के बारे में एकदम एक लाइन में कि मैच करता क्या है? कौन सी वैल्यू? जो भी रिक्वायर्ड वैल्यू। थोड़े से दूर तक पहुंचे। हाँ जी मोहतरमा, मोहतरमा ही होता है ना? हाँ मोहतरमा ही होता है जी, बताइए। कॉलम नंबर बताता। मैच हमें टू फाइंड कॉलम नंबर और रो नंबर, ठीक है। अगर मैच के बारे में कोई पूछता है तो कुछ मैच वैच नहीं करता ये, ये हमें जो रिजल्ट देता है वो देता है टू फाइंड कॉलम नंबर और रो नंबर ऑफ अ पर्टिकुलर वैल्यू। किसी खास जो वैल्यू के बारे में आप लगाते हो मैच, वो कुछ नहीं करता, बस उस वैल्यू का रो नंबर या कॉलम नंबर निकालता है। जैसे मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चन में पूछूं कि डिपार्टमेंट कौन से कॉलम नंबर पे है, तो आप यही तो करते थे मैच। तो दिस इज द लुकअप वैल्यू, दिस इज द टेबल एरे या लुकअप एरे, कॉमा जीरो, यही तो था मैच। तो ये जो चार्ट दे रहा है ये क्या क्या मैच कर दे रहा है? मैच वैच कुछ नहीं कर रहा है, आपको बता रहा है कि जिस वैल्यू को ढूंढ रहे हो वो चौथे नंबर कॉलम में है, बस इतना ही ना। हम कितना घूमते हैं, घुमाते हैं कि सर दूसरे डेटा में से तीसरे डेटा पर जाएंगे, चौथे को पता करेंगे, ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। ये बहुत सिंपल दे रहा है आपको टू फाइंड आउट द कॉलम नंबर और रो नंबर ऑफ अ डेटा। नहीं जी, जी। आ,
इसके अंदर हमने रेफरेंस दिया है A1 से D1 जी, क्या इसके अंदर हम ये D1 से D4 एक बार एक टेस्ट कर सकते हैं? D1 से लेके D4 यहां तक? नहीं नहीं सर, D4। अच्छा ऐसे? हां जी D4। आते हैं उसी के लिए आते हैं। अब कल के डेट में मैं आपसे ये पूछूं कि ये आधार कार्ड नंबर जो है, ध्यान देंगे, ये आधार कार्ड नंबर जो है कितने नंबर रो पे है, तो क्या लगाएंगे? मैच लुकअप वैल्यू ये होगी। इस बार डेटा बदल जाएगा ना, डेटा ऐसे बदलेगा। जब हम ऐसे डेटा में ढूंढेंगे तो हमें रो नंबर पता चलेगा, ऐसे मेरा डेटा है तो कॉलम नंबर पता चलेगा। बस सिंपल है, यही तो है कि अगर ये वाली आईडी की बात करेंगे तो आठवें पे है, और ये वाली आईडी करेंगे तो दूसरे पे है। पहले नंबर पे तो हेडिंग है, दूसरे नंबर पे ये है। अगर इसकी बात करें 81 वाले की तो अपने आप बता देगा ये 9th नंबर पे है। क्लियर हुआ सबको? अब इसी का दूसरा बिल्कुल दोस्त है जिसका नाम है इंडेक्स। इंडेक्स कहता है, ध्यान से देखेंगे, टू फाइंड द वैल्यू इन द गिवन रो नंबर और कॉलम नंबर। मतलब पिछला केस ये था कि हमें डिपार्टमेंट पता था, या फिर मान लो सिटी पता था, हेडिंग पता था। अच्छा अभी तो घुमा ही रहा है आपको गूगल वाला, ठीक है। तो पहले बार था कि सिटी हमें पता करना था कि सिटी वाली हेडिंग हमारे हेडिंग में कितने नंबर कॉलम पे है, या ये वाला आधार कार्ड नंबर कितने नंबर रो पे है। नहीं, इस बार उल्टा। इस बार मान लो कि आपको पता है कि मेरा जो वैल्यू है ना, हेडिंग जो हमारा दो नंबर पे है, बट क्या है दो नंबर पे वो पता करना है। सिटी तीन नंबर पे क्या है पता करना है, चार नंबर पे क्या है वो पता करना है। सो दैट इज कॉल्ड इंडेक्स। ध्यान से देखें इंडेक्स क्या कहता है। इंडेक्स कहता है पहले तुम एरे दो जहां ढूंढना चाहते हो। तो मैंने बोला कि मेरा एरे तो यही है भाई। फिर देखिए क्या मांग रहा है कि रो नंबर दो। इसमें रो नंबर कितना होगा? वन होगा। वेरी गुड। एक ही रो का तो डेटा है, इसमें एक रो है और पांच कॉलम है, तो रो नंबर एक और कॉलम नंबर तो आप पूछ ही रहे हो कि दूसरे नंबर पे कौन है। नहीं तो बता तो दिया कि दूसरे नंबर पे सिटी है। आप पूछते हो कि चौथे नंबर पे कौन है, तो डिपार्टमेंट है। पांचवें नंबर पे कौन है, तो सैलरी है। दूसरे नंबर पे क्या है, तो सिटी है। पहले नंबर पे क्या है, तो नेम है। बात समझ भाई? यानी कि पिछले केस में, मैच वाले केस में था कि हमें पता ये करना होता था कि सिटी कितने नंबर कॉलम पे है, और इस बार है कि कॉलम नंबर पता है हमें, लेकिन ये नहीं पता है कि उस कॉलम नंबर पे कौन है, क्या है हेडिंग, जस्ट अपोजिट। सेम उसी तरीके से हमें पता है कि ये वाला जो आधार कार्ड नंबर है नवे रो पे, मैं इस बार जानना चाहता हूँ कि नवे नंबर पे कौन सा आधार कार्ड नंबर है। बात समझ में? देखते करके इंडेक्स के अंदर डेटा क्या होगा, आधार कार्ड वाला। फिर बोलता है रो नंबर, रो नंबर क्या होगा, रो नंबर क्या होगा, रो नंबर वन, रो नंबर, रो नंबर, रो नंबर नाइन। हम तो पूछ ही तो रहे कि नवे नंबर रो पे कौन है, यही तो पता करना है। रो नंबर नाइन होगा लेकिन कॉलम नंबर वन होगा, क्योंकि एक कॉलम और मल्टीपल रोज हैं इसमें। अब समझ रहे, यही कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो सारा कहानी आपको आसान लगेगा। यानी कि मैं पूछता हूँ कि भाई पहले नंबर इस डेटा में पहले नंबर रो पे क्या है, तो हमारा हेडिंग है आधार कार्ड। दूसरे नंबर पे क्या है, तो ये वाला आईडी है। सातवें नंबर पे क्या, कौन सा आईडी है, तो ये है। दसवें नंबर पे कौन सा है, तो ये वाला है। बात समझ में आई? अभी भी कोई शक? इतनी बात समझ में आई आर्यन? कौन सा वाला पार्ट, इंडेक्स वाला कि मैच वाला? चलिए, सिटी कितने नंबर कॉलम में है ये जानने के लिए हमने मैच लगाया। इस बार उल्टा जा रहे हैं,
कि दूसरे नंबर कॉलम में कौन सी हेडिंग है, तो हम क्या लगाते हैं, इंडेक्स। क्या मांगा हमसे, डेटा, एरे। तो एरे दे दिया, इस एरे में एक कॉलम है और पांच छह रो है, नहीं कि उल्टा, एक रो है पांच छह कॉलम है, तो रो नंबर तो एक ही होगा क्योंकि एक ही रो का डेटा है, लेकिन कॉलम नंबर हम पूछ ही रहे हैं कि भाई दूसरे नंबर कॉलम में क्या है, तो दूसरे नंबर में सिटी है, चौथे नंबर में क्या है, डिपार्टमेंट है। ये फिर रटते हो आप, लास्ट में जो लगाया वो तो मैं पूछ रहा हूँ कि चौथे नंबर कॉलम में कौन सा डेटा है, तो इस डेटा के अंदर कितने हैं, एक रो है और मल्टीपल कॉलम्स है। इस कंडीशन में क्या था, एक कॉलम है और मल्टीपल रो है, मैं पूछ रहा हूँ कि दसवें नंबर रो पे कौन है, तो क्या लगाते हो, इंडेक्स। एरे मांगा पहले, एरे दे दिया हमने, उसके बाद मांगा रो नंबर, ये तो हमें निकालना ही है, और कॉलम नंबर तो एक ही है ना इस डेटा में, तो लगा लो। अब समझ में आया पक्का? अब थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड में चलते हैं, अब थोड़ी मिक्सिंग करेंगे दोनों को। हमारे पास एक क्वेश्चन है, जैसे पीछे क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसे ही कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, और आपको बोला गया है कि भाई ये इस बंदे का नाम निकालो, इस बंदे की अगर मान लो कि ये कौन है, इसका जो रो नंबर है कितना है, चार है कि पांच है, फाइव है, तो पांचवें नंबर पे ही ना इसका नाम होगा, इसके सामने ही होगा ना नाम, ऐसा नहीं होगा यहाँ पे आईडी होगी यहाँ इसका नाम होगा, ऐसा तो नहीं होगा। वही अगर हमें इन लोगों का रो नंबर पता चल जाए, तो रो नंबर कैसे पता चलेगा, मैच लगा के, तो दिस इज द लुकअप वैल्यू, दिस इज द एरे एंड दिस इज जीरो, नहीं वन, तो ये क्या दे दिया हमें कि ये जो डेटा है आपका वो कौन कौन से रो पे है, और मैं बोलता हूँ कि जो जो रो पे है ना उन सब का नाम दो, तो क्या करेंगे, इंडेक्स। इस बार डेटा किसका होगा, नेम वाले का, नेम निकालना है तो नेम वाले का डेटा, रो नंबर पता करना है किसका, 14 नंबर का, ये दिया हुआ है पहले निकाल लिया था, कॉलम नंबर तो एक ही है ना, एक ही कॉलम का डेटा है ना, मैच का आंसर गलत आ रहा है, अच्छा हमने वन कर दिया, ये तो जीरो होगा ना, मैच में एग्जैक्ट मैच हम लोग को लगाना था, हमने वन कर दिया था, यस समझ में आ गए कि जीरो की जगह वन करोगे तो एग्जैक्ट की जगह पे इधर उधर की वैल्यू जो मिलेगा वहाँ आसपास में उसको उठा लेगा। सबसे पहले हम लोगों को इन सारे नंबर्स जितने भी आधार कार्ड नंबर हैं इनका रो नंबर चाहिए, क्या चाहिए, रो नंबर। रो नंबर के लिए मैच लुकअप वैल्यू या आधार कार्ड नंबर, इसको ढूंढेगा अपने आधार कार्ड वाले में कॉमा जीरो, इससे क्या होगा कि ये सारे आधार कार्ड कौन कौन से रो पे हैं ये पता चल गया। उसके बाद हमें पता करना है कि भाई पांचवें नंबर पे कौन सा नाम है, तो डेटा किसका होगा, नेम का। रो नंबर निकाल चुके हो और कॉलम नंबर एक है, एक ही कॉलम का डेटा में, एक ही कॉलम के डेटा में आप पता कर रहे हो ना, तो हो गया ना, ये रिवर्स में भी चल रहा है, देखा आपने कि रिवर्स, इसमें क्या प्रॉब्लम है, फ्रिज नहीं किया होगा हमने, ये रहा, ऐसा नहीं कि इसमें आए तो फ्रिज करना आप भूल जाओ, फ्रिज वगैरह करना पड़ेगा। उसके बाद चलो एक बार सैलरी निकाल के देखते हैं जो दूसरे डायरेक्शन में है, बट कोई फर्क नहीं पड़ता। इक्वल्स टू इंडेक्स, डेटा किसका, सैलरी का, सैलरी निकालने तो सैलरी का डेटा, रो कितना नंबर पे निकाल चुके हैं, कॉलम कितना, एक हो गया, दिस इज कॉल्ड इंडेक्स मैच। बट यहाँ पे हम हेल्पिंग कॉलम लेके बना रहे हैं, तो ये उतना प्रोफेशनल नहीं लग रहा है, समझने के लिए बनाया, हमें बनाना है इकट्ठा, इतने बड़े बड़े फॉर्मूले बनाए तो इंडेक्स मैच भी, इंडेक्स मैच में इंडेक्स से शुरू करेंगे, क्या से शुरू करेंगे, एरे क्या होगा, नेम वाला, फ्रिज, रो नंबर हमें नहीं पता है, तो क्या लगाया, मैच, कि इसको तुम ढूंढो इस डेटा के अंदर
कॉमा एग्जैक्ट मैच कॉमा एक कॉलम का ही डेटा है दैट्स इट दिस इज कॉल्ड इंडेक्स विद मैच. कितने लोगों को समझ में आया डायरेक्ट मोड में? आसान है, बहुत आसान है. अगर आप थोड़ा अच्छे से तसल्ली से थोड़ा समझें तो ये बहुत ज़्यादा आसान है. रिवर्स में भी जा रहा है, आगे भी जा रहा है, पीछे भी जा रहा है. सैलरी मोड में चले गए, समझ में नहीं आया? एक बार फिर से करते हैं. सैलरी निकालने के लिए क्या करें? इंडेक्स डेटा किसका? सैलरी का फ्रिज कर लेंगे. उसके बाद रो नंबर पता नहीं है तो मैच, मैच किसको? इस वाले आधार कार्ड वाले नंबर को इस वाले आधार कार्ड वाले डेटा में जीरो के साथ मैच कर देंगे और वन इसलिए डालेंगे कि एक कॉलम का डेटा है. अब ये तो आगे पीछे दोनों चल रहा है ना, चूज का चक्कर ना, एक्स लुकअप ना 365 चाहिए ना 2021 चाहिए. ये भी आपके 2007 में भी चलेगा, सदाबहार फॉर्मूला है. इसको सीख लो तो सारे भूल जाओ, कोई गम नहीं. हाँ मेरे को सिर्फ सैलरी ही चाहिए, सब सैलरी के लिए ही जान देते हैं हम भी सैलरी. हाँ क्योंकि हमने सिर्फ सैलरी सेलेक्ट करी है तो सैलरी ही तो हुआ ना. ये आपके कुछ सवाल का जवाब अगले शीट पे मिलेगा. इतने तक समझ में आया सबको? अब एक सवाल और उठता है कि सर एक एक करके तो बड़ा अच्छा आपने ऑप्शन बता दिया, लेकिन सोचो कि अगर एक साथ सारे निकालने होते, नेम भी होता, सैलरी भी होता, सिटी भी होता, उसके बाद फिर डिपार्टमेंट भी होता, नहीं तब क्या करते? कुछ नहीं करते. सबसे पहले हम अपने डेटा का एक नाम रखते जिसका नाम होता बाबू मोसाय. ठीक है, बाबू मोसाय मेरा मेन डेटा है ना. एक बार हमें हेडिंग के लिए इधर आना पड़ता है मैच करने के लिए, इसका नाम लिख देते हैं बाबू हेडिंग. याद रखिएगा नाम थोड़ा खतरनाक रख रहे हैं. एक बार और इधर आना पड़ता था हमें आईडी के लिए, बाबू आधार आधार कार्ड. ठीक, तो तीन नाम ऐसे इंटरेस्टिंग आप भी रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. जितनी मर्जी उतनी रख लो आप. थोड़ा ध्यान से तसल्ली से देखिएगा, अब हम इधर आएंगे ही नहीं. अब हमें प्रॉब्लम ये है कि जब हम लोग को सिर्फ नाम सेलेक्ट, नाम निकालना रहता था तो सिर्फ नेम का डेटा सेलेक्ट करते थे, सिर्फ सैलरी निकालना रहता था सिर्फ सैलरी का. बट अब तो बोला कि भाई एक फॉर्मूला यहाँ पे लगा दो ये ब्लू वाले सेल में और खींच लो मेरा सारा हो जाए आगे पीछे सब. इसका मतलब है कि डेटा तो पूरा चाहिए, इसीलिए जब इंडेक्स लगाओगे तो आपको क्या नाम रखना है? बाबू मोसाय, है ना. उसके बाद मैच लगाएंगे. एक मैच होगा जो हमें रो नंबर निकाल के देगा. सो दिस इज द धन्यवाद. सो एक मैच लगेगा जिसमें से जी फ्रीज होगा या सिक्स फ्रीज होगा. अब ये तो हम दो तीन घंटे चार घंटे से फ्रिज करते आ रहे हैं. अब ये मत बोलिएगा ठंडा आ गया तो क्या फ्रिज करना, नहीं सिक्स फ्रिज नहीं होगा, जी फ्रिज होगा. क्योंकि हमें इधर जाने से रोकना है और सिक्स को सेवन में बढ़ाना है तो इस बात को. अच्छा इसका नाम क्या रखा था? थोड़ा नाम अटपटा रख दिया था तो याद रखना पड़ेगा बाबू आधार कार्ड. ये रहा, आप थोड़ी देर बैठ चाहिए, अभी छुट्टी देने वाले हैं, फिर साथ लेके जाना. उसके बाद जीरो. ठीक, एक मैच खत्म. दूसरा कॉलम नंबर हमें देना पड़ता था. अगर नाम निकालेंगे तो नाम हमारे डेटा में कितने नंबर पे है? एक नंबर पे. तो देखिए नाम निकाल के दे देगा. अगर हम वन को क्या कर दें, फोर कर दें तो क्या निकाल के देगा? चार नंबर पे क्या है? डिपार्टमेंट. तो चार तो आप एक दो तीन चार गिन रहे हो, क्यों गिन रहे हो? अपना मैच है ना, एक और मैच लगाइए. इस बार जो लुकअप वैल्यू ये होगा और इसमें फाइव फ्रीज होगा. आई को फ्री रखेंगे ताकि सैलरी को ढूंढ पाए, डिपार्टमेंट को ढूंढ पाए. ढूंढेगा कहाँ?
बाबू हेडिंग में और कॉमा जीरो, किसी आदमी को दिखा दोगे अगर ये फॉर्मूला तो बोलेगा नया एक्सेल आया उसमें बाबू मोसाई नाम से भी है है ना तो इसमें तो कुछ भी आप डाल सकते हो। लोग एक्स लुकअप बोलता है, इसका नाम ही रख दो वाई लुकअप, किसी को लिख दो बी लुकअप, किसी को लिख दो सी लुकअप, पागल हो जाएगा आदमी देख देख के कि भाई ये बी लुकअप सी लुकअप भी सर देखा किसी के वीडियो में, ये कौन होता है, ये कुछ होता ही नहीं है, तो अपना नाम है जो मर्जी रख लो। तो फाइनली जो हमें आंसर मिला ये इतना अल्टीमेट आंसर है कि मत पूछो। क्यों? क्योंकि अगर कल के डेट में डिपार्टमेंट आपको पहले चाहिए तो ये चेंज कर देगा, और नेम आपको लास्ट में चाहिए तो लास्ट में डाल देगा, मतलब हेडिंग चेंज करो डेटा। अब देखो ये सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। वी लुकअप मैच में क्या प्रॉब्लम था कि इसका लेफ्ट में होना जरूरी था, अब तो नहीं है ना, कहीं भी रख लो। तो जब ये मिल गया तो फिर किसी और की क्या जरूरत है। हाँ यही तो बोल रहा था मैं कि इस ये मिल गया तो फिर समझो आपकी जिंदगी सफल हो गई वी लुकअप की दुनिया में। जब डेटा डालोगे तो जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि ये है ही नहीं, ये है ही नहीं, ऐसा आएगा। जब आएगा आपके पास डेटा वहाँ से नेट से कोई मैसेज करेगा आपको तो इसमें चिपका देना, आंसर आ जाएगा। ये तो एकदम वो सॉफ्टवेयर की तरह काम करेगा ना। बट इसमें भी एक प्रॉब्लम है चांद में भी दाग होते नहीं, ये चांद ही है बशर्ते इसमें दाग एक है, उसके लिए भी फिर करेंगे आगे उपाय। जगर अगर ये डुप्लीकेट रहा तो, अगर ये डुप्लीकेट रहेगा तो फिर हमें एक लेवल और जाना पड़ेगा। मान लो कोई ऐसा सिचुएशन रहा कि यूनिक आईडी है ही नहीं और तब हमें निकालना है, तो थोड़ा आइडिया समझ में आ रहा है गौरव जी? हाँ आ रहा है, लेकिन ये बीएमडब्ल्यू है, ये बिल्कुल बीएमडब्ल्यू वाला फैसिलिटी है, इसमें सब कुछ करके देता है। ये टाटा 407 नहीं है मारुति 800 नहीं है, मारुति 800 तो वी लुकअप था, इसमें गेट खुला छोड़ दोगे तो भी बोलेगा, बेल्ट नहीं लगाओगे तो भी बोलेगा, नहीं सारा फैसिलिटी है इसमें। इसको अगर भूल जाओगे तो बड़ा अफसोस करोगे, इसको भूलना मत, इसकी प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मान लो कि अगर आप जॉब करते हो तो मैं इतनी गारंटी दे देता हूँ कि डुप्लीकेसी वाले प्रॉब्लम को छोड़ के सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा ये, बट डुप्लीकेसी वाले को भी छोड़ेंगे नहीं, उसको भी लपेटेंगे नेक्स्ट क्लास में कि डुप्लीकेट डेटा रहेगा और इंडेक्स मैच की जरूरत पड़ेगी, इंडेक्स विद डबल मैच, देन हाउ वी कैन डू ऑन डुप्लीकेट डेटा, क्या क्या चैलेंजेस वहाँ पर आएंगे, आपको कैसे उसको सॉल्व करना है, उसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन अगर आप जॉब करते हैं और वी लुकअप से परेशान हैं, ये निर्मल बाबा का हथियार है, चटनी खाओ कुछ नहीं चाहिए, नहीं है गुपचुप, हाँ एक सेकेंड होल्ड करिएगा, कृपा बरसे, समझ आया? बिल्कुल ये निर्मल बाबा वाला है, भले निर्मल बाबा का प्रसाद काम करे ना करे, मतलब कभी बोलेगा निर्मल बाबा कि हरी चटनी के साथ खाना, बच्चा उद्धार होगा तुम्हारा। दूसरा दिन पहुंचा कि बाबा हमने तो हरी चटनी खाई, अरे उसमें थोड़ा सा लाल भी मिलाना था, ये वो नहीं है, ये जो दिख रहा है वो देगा आपको रिजल्ट, चाहे कितने भी कॉम्प्लिकेटेड डेटा हो, नहीं? और बताइए
आप लोगों के लिए और क्या व्यवस्था किया जाए। इतना कर लोगे, इतना कर लोगे अगर आप, तो आपको कम से कम इंडस्ट्री में आपके इर्द गिर्द कोई टकराएगा नहीं जल्दी। लेकिन इसके आगे भी है क्या? हाँ कोई नहीं जल्दी, हाँ बसरते अगर सब चीज अच्छे से कर लिया तो जल्दी आपसे पंगा नहीं लेगा। लेकिन उस लेवल तक बनने के लिए चले खली से लड़ने और बॉडी है 250 ग्राम का, वैसा वाला नहीं। कोई बढ़िया आदमी टकरा गया तो हो सकता है कि आपको चैलेंज करेगा, तो आप उससे बढ़िया बन के दिखाइए। नहीं तो ये है आज की कहानी। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भेज रहा हूँ, क्वेश्चन बनाइएगा, 17 क्वेश्चन है, हो सकता है वहाँ पे भी कुछ मिले नया आपको, वहाँ पे भी कुछ नया मिलेगा। और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में ज़्यादा नहीं, आधे घंटे इस पे R&D करेंगे, नए चैप्टर में स्विच करेंगे। तो दो बड़े चैप्टर इधर इस वीकेंड में और पिछले वीकेंड में ख़त्म हुआ, एक लॉजिकल वाला और एक ए वाला, ये दोनों बड़े चैप्टर में आते हैं। इतने के बाद लोग बहुत अच्छे से काम